चिराग पासवान को भाजपा इस कदर इग्नोर कर रही है मानो चिराग को भाजपा जानती तस्वीर। जब चिराग पासवान को भाजपा जो है उनकी पार्टी को पार्टी ही नहीं समझती, चिराग पासवान से भारतीय जनता पार्टी बातचीत करने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान को भाजपा इस कदर इग्नोर कर रही है मानो चिराग को भाजपा जानती तक नहीं है। इसके पीछे मजबूत कारण ये बताया जा रहे हैं कि चिराग पासवान को इसलिए इग्नोर किया जा रहा है ताकि उनका जो बार्गेनिंग का पावर है वो खत्म हो जाए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। सबसे पहले अगर आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। दरअसल 2024 का रन बेहद नज़दीक है, ऐसे में बिहार की सियासत में भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करना चाह रही है। 6 दलों का महागठबंधन, मांझी जी चले जाने के बाद 6 दल बचे हैं। ऐसे में इस बीच चर्चा चिराग पासवान को लेकर हो रही है, क्योंकि कल तक चिराग पासवान की पहचान मोदी की हनुमान के तौर पर थी। एक तरफा प्यार जो है वो देखने को मिल रहा था और ऐसे कई मौके देखे जब चिराग पासवान को भाजपा जो है उनकी पार्टी को पार्टी ही नहीं समझी, चाहे वो नए संसद भवन का उद्घाटन हो, मणिपुर हिंसा को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग हो या फिर कर्नाटक चुनाव, ऐसे कई मसले दिखे, कई मौके दिखे जहाँ चिराग जो है वो पूरी तरह से नदारा दिखे समर्थन करने के बावजूद भी। अब देखिए 24 का रन से पहले अब सियासी गणित फिट करने में भाजपा लगी है। जो बिहार की राजनीति में छोटे दल हैं उनकी एक अलग महत्वाकांक्षा है, चिराग पासवान भी उनमें है। चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा सबसे ज़्यादा है, उनका मानना है कि जितने सीटों पर रामविलास पासवान के वक्त में लोजपा चुनाव लड़ी थी उससे कम पे नहीं उससे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की वापसी जो है वो पुनः होने जा रही है, लेकिन हाल के 1-2 दिनों में चिराग पासवान की पार्टी के सुर जो है वो पूरी तरह से डायरेक्शन जो है वो बदल गया है। इसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि चिराग पासवान से भारतीय जनता पार्टी बातचीत करने को तैयार नहीं है। सीधे तौर पर भाजपा का फरमान है कि अगर आप 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर NDA में स्वागत है, अगर नहीं लड़ना चाहते हैं तो फिर अपना रास्ता खुद देख लीजिए। देखिए इसके बाद चिराग पासवान के पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हालांकि बयान कल भी था, आज इस बयान में कुछ नया इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 1 सीट राज्यसभा का था और किसी भी हाल में हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, हाजीपुर सीट भी उन्हें चाहिए। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कहा कि हम किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई दरवाज़ा मेरे लिए बंद है, यानी कि अगर NDA में बात नहीं बनती है, भाजपा के साथ बात नहीं बनती है तो फिर RJD और तेजस्वी यादव के साथ उनकी गठबंधन हो सकती है। अब आप कहेंगे कि RJD के साथ गठबंधन कैसे होगा, महागठबंधन में वापसी तो किसी हाल में हो नहीं सकती, जैसा कि हम भी लगातार आपको पहले बताते रहे। लेकिन राजनीति में गठबंधन का स्वरूप एक ये भी होता है कि आपका गठबंधन ठीक है, नीतीश कुमार से आपकी दुश्मनी है, नीतीश कुमार से राजनीतिक लड़ाई है, आपकी गठबंधन नीतीश कुमार से नहीं हो, लेकिन आपका गठबंधन तेजस्वी यादव से हो सकता है तेजस्वी यादव के शर्तों पर। चूंकि आपने पिछली बार जब NDA की सरकार थी बिहार में तो आपने देखा जीतन और मांझी की गठबंधन जो है वो नीतीश कुमार के साथ थी और मुकेश सैनी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था। जीतन और मांझी भाजपा के विचारधारा से सहमत नहीं थे इसलिए उनका गठबंधन उनके साथ नहीं हुआ, वो नीतीश कुमार के साथ गए। वो जब गठबंधन से बाहर निकले तभी वो कहे कि मेरा गठबंधन, हम कोई महागठबंधन का हिस्सा नहीं थे, हम नीतीश कुमार के साथ मेरा गठबंधन था। हालांकि आज की तारीख में उनके जो विचारधारा है वो भाजपा के साथ मिलने लगे, भाजपा से उनकी डील जो है वो सब कुछ फिट हो गई है। लेकिन बात चिराग पासवान की हो रही है, चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से जो है वो तेवर एकदम बिल्कुल सा बदल गया है और कहा जा रहा है कि कम सीटों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और सबके पीछे के एक मजबूत कारण जो बताया जा रहा है, जो राजनीति को जानते हैं, करीब से समझते हैं, वरिष्ठ पत्रकार कई ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इसका पीछे का कारण यह है कि चिराग पासवान को भाजपा जो है वो चिराग की शर्तों पर NDA में वापसी नहीं करा सकती है। चूंकि राजनीति में कहा जाता है कि अगर आप ज़्यादा पंख जो है फैलाएंगे तो बड़े दल कतरना भी जानते हैं और चिराग पासवान का पंख जो है कुछ ज़्यादा इन दिनों फैलने लगा, या यूँ कहें कि उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है, वो 7-8 सीटों का डिमांड कर रहे हैं जो भाजपा किसी भी हाल में देने को तैयार नहीं है। हालांकि ये डील, इस प्रकार से डील और इन शर्तों पर डील तेजस्वी यादव भी नहीं कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अगर 2-3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं चाचा को भी स्वीकार करना होगा, ऐसा नहीं है कि चाचा को कहेंगे कि भाई चाचा को आउट कर दीजिए, हमको लोजपा मान लीजिए, तो ऐसा भाजपा कभी होने नहीं देगी, भाजपा ऐसा चाहती भी नहीं है। कर्नाटक का चुनाव में प्रचार जो जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस को भेजा गया उससे वह तय हो गया कि चिराग पासवान भाजपा के लिए बहुत जरूरी नहीं है जितना पशुपति कुमार पारस है, क्योंकि वोट भाजपा के पास है। और यह सच है
कि जो बड़े चेहरे होते हैं गठबंधन में उन्हीं के नाम पर चुनाव जो होता है। इधर नरेंद्र मोदी है तो इधर नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी है, जो बड़े चेहरे हैं। अगर कोई छोटी पार्टियां गठबंधन में आती है तो अपने चेहरे पर नहीं बल्कि राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के दम पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी भी। सच्चाई राजनीति में ये सच्चाई ये भी है। और यही बड़ी वजह बताई जा रही है कि चिराग पासवान की पार्टी को भाव नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद चिराग पासवान की पार्टी का जो तेवर है वो बिल्कुल सा बदल गया है और कहा जा रहा है कि हम किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। जिसके बाद चर्चा यह भी चली कि क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब सीधे तौर पर इस बात की ओर इशारा दे रहे हैं कि हम किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। जो मुझे हाजीपुर का सीट देगा, जो मुझे जो मेरा सिटिंग सीट है वो देगा, हम उनके साथ गठबंधन जो है वो करेंगे। फिलहाल भाजपा नरेंद्र मोदी के जो हनुमान थे वो हनुमान मौन है, हनुमान राजनीति से पूरी तरह से गायब है। चिराग पासवान जो खबर है कि वो विदेश में है, घूम रहे हैं, राजनीति से थोड़ा दूर है। इधर पार्टी के नेताओं को उन्होंने कमान दी है कि आप लोग इस तरीके से बयानबाजी कीजिए ताकि भाजपा पर प्रेशर बने। हालांकि राजनीतिक जानकार ये भी मान रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, जिसे कहा जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो की जा रही है जिससे भाजपा पर असर होगा, तो भाजपा पर असर किसी भी हाल में नहीं होने वाला है। अब चिराग को तय करना है उन्हें 2-3 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ना है या फिर नीतीश कुमार वाली महागठबंधन के नेतृत्व को स्वीकार कर 3-4 सीट, 1-8 सीट वहां पर फायदा हो सकता है, उन नीतीश कुमार को स्वीकार करना है। बहरहाल इसको लेता है, देखते हैं टॉप। नमस्कार।